नमस्कार बच्चों, बायोलॉजिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास स्मॉल एम इज फाउंड टू एक्सीलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6 व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड द वाटर। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सीलरेट डाउन एट द रेट g/6। तो पहले क्या था कि इनसाइड द वाटर रखा हुआ है ना एम्प्टी बॉक्स से, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट कर रहा था किधर की ओर, ऊपर की तरफ g/6 से। अब बोला है कि इसमें कितना मास भरा जाए, तो भरेंगे तो क्या होगा, भारी होगा, है ना। तो कितना मास भरा जाए ताकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने लगे, कितना से, g/6 से। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलर है किससे, क्वेश्चन नंबर 19 से, जहां पे बलून का कंसेप्ट था। लेकिन वहां पे क्या था कंसेप्ट, कि कांस्टेंट वेलोसिटी से पहले नीचे की तरफ आ रहा था, तो उससे कितना मास निकाला जाए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ चला जाए। और यहाँ पे क्या है कि पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना मास ऐड किया जाए तो नीचे की तरफ आए, एक्सेलरेशन लेकिन यहाँ पे दिया है ना। तो वहां पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी था, यहाँ पे क्या था आपका, एक्सेलरेशन मेंशन किया हुआ। तो पूरा सिचुएशन आप समझ सकते हैं। और सबसे पहली बात लिखा हुआ है यहाँ पे डीप इनसाइड द वाटर रखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये डीप इनसाइड वाटर रखा हुआ है ना, प्लास्टिक बॉक्स है ये, इसका मास क्या है, स्मॉल एम। ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेटेड है, g/6 से। पहले इस पे फोर्सेस दिखा दो, तो एक तो mg दिखाओगे आप। अब चूंकि कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक सिंगल फोर्स लग रहा हो mg और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड हो g/6 से, आंसर इज नो। ऑब्वियसली इस पर कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी, जो कि आप आने वाले दिनों में पढ़ोगे, ठीक है। तो वाटर क्या लगाती है ना, ये जो वाटर जो इस पे क्या लगाएगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायंसी फोर्स, ठीक है। और अगर ये डीप इनसाइड वाटर है तो ये ऑलमोस्ट क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, कोई भी चेंज नहीं होती है, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होती है, आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अब ये एक्सेलरेटेड है, तभी एक्सेलरेटेड है तो सिंपली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लगा दो, है ना। ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो बी माइनस एम जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास एम इंटू एक्सेलरेशन g/6, इक्वेशन नंबर 1। अब बोला इसमें कितना मास ऐड करें कि अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाए। तो मान लिया कि मैंने कैपिटल एम मास ऐड कर दिया, है ना। तो पहले स्मॉल एम था, अब मास ऐड किया कैपिटल एम, तो अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एम जी लगेगा इसका, एम प्लस एम इंटू जी। बी तो अभी भी किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, बायंसी का फोर्स। और इसका इक्वेशन अब लिखोगे तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है। तो ये दो इक्वेशन लिखा, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका जो एक्स्ट्रा मास जो है वो कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी थी, 2m/5 कितनी आ गई, 5। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एक्सेलरेट करें नीचे की तरफ। तो आई होप कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।